हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं नाथद्वारा। त्रिनेत्र जो सर्कल है उसके पास में जो छोटा सा गार्डन है वहाँ पर। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं अभी दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति का शुभारंभ होने जा रहा है। अभी तैयारियाँ बहुत ही हाई लेवल पर हो रही है। और दोस्तों, जहाँ पर हमारा कैफ़े लगा हुआ है त्रिनेत्र सर्कल पर, वहाँ पर भाई साहब आप पहचान भी नहीं सकते। मतलब इस चौराहे का रंग रूप भी चेंज हो गया है। और पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पर छतरी है उसके ऊपर काफ़ी मस्त डेकोरेशन किया गया है, जो रात में भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पर बनाया गया है एक बहुत बड़ा एंट्री गेट, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये गेट इतना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अभी हम इस गेट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसको बनाया कैसे है। हमने दोस्तों इसके अंदर जाने की परमिशन ली है, बाकी यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, चलते हैं अब इसके अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर खूब सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो इसको बांस को बांधने में काम में लिए जाते हैं। और यहाँ पर खूब सारे थर्माकोल के कटे हुए कुछ डिज़ाइन, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इस गेट के ऊपर जो डिज़ाइन की जाती है वो थर्माकोल की होती है। और खूब सारे कपड़े देख सकते हैं और खूब सारे बांस के टुकड़े। यहाँ से आप इसकी हाइट देख सकते हैं, काफ़ी ऊँचा है, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके जाते हैं अंदर। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इसके अंदर इतने सारे बांस लगे हुए हैं। अभी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो गेट है इसके अंदर आप बांस देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में इसके अंदर बांस लगे हुए हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी गुंथाई की गई है और जगह जगह से इनको बांधा गया है मज़बूत वाले कपड़े से। और दोस्तों, यह गेट बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो यह गेट पत्थर का हो या फिर मार्बल का हो। तो दोस्तों, ये जो दरवाज़ा है बड़ा सा, इसको दोस्तों बहुत ही गजब तरीके से बनाया गया है। मतलब दोस्तों, ये गेट इतना मज़बूत है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोहे के पाइप हैं। और दोस्तों, इन पाइप को ज़मीन के अंदर खोद के अंदर डाला गया है, उसके बाद मज़बूत किया गया है। और दोस्तों, इस गेट के हर कोने के ऊपर ऐसा ही 4 से 6 इंच लंबा पाइप लग रहा है। और बीच बीच में इतने बड़े बड़े बांस और बल्ली लग रहे हैं और काफ़ी मज़बूत तरीके से बांधा गया है। दोस्तों, अब हम इसके ऊपर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बांस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम काफ़ी ऊंचे तक आ गए हैं, ये देख सकते हैं। और भाई साहब, काफ़ी ज़ोरदार लग रहा है यहाँ से। अब हम चलते हैं इस तरफ। अब दोस्तों, हमारे नीचे है रास्ता जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और हम हैं भाई साहब इसके ऊपर। ये देख सकते हैं, काफ़ी गजब तरीके से इस गेट को बनाया गया है भाई साहब। और गाइस, देख सकते हैं आप,
हर 6 इंच के ऊपर इसको बांधा गया है। और अभी तो हमारे ऊपर देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरदार वाली डिज़ाइनें बनाई गई है। पर दोस्तों इसके ऊपर जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम गेट के सबसे टॉप पर आ गए हैं। हालांकि टॉप वहां पर है पर हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि उसके अंदर बांस लगे हुए नहीं है। ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको दोस्तों काफ़ी मस्त तरीके से बनाया है। बिल्कुल महल वाली फीलिंग आती है। हाँ तो दोस्तों थकान हो गई है, गर्मी भी बहुत है। अब इस गेट को हम आपको फ्रंट से दिखाते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ से उतर रहे हैं। दोस्तों गेट के सेंटर में लिखा हुआ है तत्पदम। और दोस्तों यहाँ पर विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है त्रिनेत्र सर्कल का रात का नज़ारा। और दोस्तों इस गेट के पास में अभी भी काम हो रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं अभी भी काम जारी है। अरे रात को भी रेस्ट नहीं है क्या? रात को भी रेस्ट नहीं है? आपकी मानना गए हैं? हाँ रात को भी रेस्ट नहीं है क्या? क्यों कह रहा हूँ 12 बजे तक 12 बजे तक काम करो। अरे यार तो भैया जी पहले तो ये बताओ आप कहाँ से हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से मतलब कोलकाता से यहाँ पे आए हो आप हैं? और अभी भी रात को भी काम कर रहे हो आप? और कितने दिन हुए इसको काम चलते चलते? महीना भर हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस गेट को करीब करीब 1 महीना हो गया है काम चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यार अभी जो भैया हमसे बात कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया, भाई मुझे वीडियो में मत डालना, मुझे बहुत शर्म आती है। तो मैंने कहा चला नहीं डालेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।